कुशीनगर के कस्यानगर में स्थित काशीराम शहरी आवास में रात को एक साथ 200 मिलने से पूरे नगर में सनसनी फैल गई। 100 एक युवक और एक युवती की थी। युवती के चेहरे और सिर को ईंट से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। उसका शरीर जमी पर पड़ा था, जबकि युवक के शरीर पर एक खरोच भी नहीं था। युवक का शव बगल में ही बिस्तर पर पड़ा मिला। मृतक 3 साल पूर्व इसी कमरे में रहकर पढ़ाई करता था। इस दोहरे मर्डर को पुलिस प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला मान रही है, लेकिन हत्या होते वक्त किसी को भनक न लगना वारदात को पेचीदा बना दिया है। हुआ कुछ ही था। कस्यानगर की निवासी गुंजा मध्यसिया अपनी मां के साथ काशीराम शहरी आवास योजना के ब्लॉक नंबर 9 में रह रही थी। बगल के कमरे में रिश्तेदारी में रहने वाला राम सागर ने बहाने से गुंजा को अपने कमरे में बुलाया। काफी देर बीत जाने के बाद गुंजा जब अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने गुंजा की खोजबीन शुरू की। पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए जब परिजन राम सागर के कमरे में पहुंचे तो अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। अंडे का तो घर से फोन आया कि आओ घर पे कुछ बात हुआ है, जल्दी आओ, दुकान बंद छोड़ छाड़ के जल्दी आओ। हम दुकान बंद के जल्दी गए, देखे कि घटना हुआ था। ये दोनों मरे पड़े हुए थे, इसके मुड़ी ईंटा से कुछ दिया गया था इसका सिर। ये लड़की जैसे कि बताने बोलता है माता जी बता रही थी कि ऊपर गोली बांध रही थी छत पे, कि गया छत पे ए भाभी के पास के बहनी कहाँ है, तो कहीं भाभी के ऊपर बहनी है तो ऊपर गया है, वहाँ कहा है कि ये आपकी मम्मी बुला रही है, तो नीचे आई तो घिस के रूम में लेला गया है। 2-3 साल पहले आता था। गुंजा के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे और पास ही में खून से सना ईंट पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने ईंट से प्रहार कर उसके सिर को कुचल दिया था। गुंजा के शव से कुछ कदम की दूरी पर राम सागर का भी शव पड़ा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं था। वैसे पुलिस इसे पहली नजर में प्रेम प्रसंग का मामला मानकर चल रही है। इसमें ये काशीराम आवास योजना में नरेश नाम का एक व्यक्ति है जो सबिया का रहने वाला है, उसी के मकान में ये लड़का राम सागर नाम बता रहे हैं इसका, ये आया है और ऊपर जो ये गुंजा नाम की लड़की है इनका ठीक इसी के ऊपर आवास आवंटित है जिसमें इनका पूरा परिवार रहता है। जो पूछने पे बताया गया कि ये 3 साल पहले जो है यहाँ शिक्षारत था, अपने इन्हीं के फूफा के पास रह करके जो है पढ़ाई कर रहा था। उसी समय जो है इनसे कोई बातचीत या इनके कोई संबंध हुए होंगे, और मुझे जो प्रथम दृष्टा जो लग रहा है देख करके कि ये प्रेम प्रसंग वाला मामला है। ये जो यहाँ एविडेंस मिले हैं मौके पर, वो ईंट के द्वारा जो है कुचल करके जो है इसके सिर को और मुंह को जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे उसकी डेथ हो गई। जो पूछताछ में मुझे अड़ोसी पड़ोसी ने बताया है, उसने ये बताया कि ये लड़का जो है सुबह ही आया था और सुबह से जो है यहीं इनका आना जाना रहा पहले भी। मेरा जो एटीट्यूड है, जो देखने का वो है, जो घटनास्थल को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो है इसने घटना को घटित किया और उसके बाद में जो है इसने सुसाइड कर लिया अपने को बचाने के लिए। लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है कि आखिर गुंजा की चीखें किसी के कान में क्यों नहीं पड़ी, जबकि उसके सिर को कुचल कर मारा गया है। बहरहाल कस्यां थाने की पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर इस दोहरे ब्लाइंड मर्डर के तह में पहुंचने में जुट गई है। कुशीनगर से आदित्य पांडे की रिपोर्ट।